95% लड़के ऐसे हैं जिनको उनका फेस शेप ही नहीं पता और सेलिब्रिटीज के हेयर स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। एंड सबकी हेयर टाइप अलग अलग होती है, सो आपकी हेयर टाइप पर कौन सी हेयर स्टाइल बेस्ट रहेंगी ये आज मैं आपको बताऊंगा। ही ब्रोस, व्हाट्स अप, आज की वीडियो में मैं आपको हेयर स्टाइल पर पूरी कंप्लीट गाइड देने वाला हूं, क्योंकि फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल होगा तो वो आपके लुक्स को यहां से यहां लेकर जाएगा, इसलिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल बहुत मैटर करता है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता है कि हमारा फेस शेप कौन सा है एंड उस पर कौन सी हेयर स्टाइल बेस्ट रहेंगी। लेकिन ब्रो, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, तो भाई आज आपको आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग बहुत स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स मिलने वाली है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि हेयर कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली इंडिया में तीन टाइप के हेयर होते हैं, पहला स्ट्रेट, दूसरा वेवी एंड तीसरा कर्ली। अगर आपके स्ट्रेट या वेवी हेयर टाइप है तो आप लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट एंड मीडियम हेयर स्टाइल भी रख सकते हो। एंड अगर आपके कर्ली हेयर है तो ब्रो आप बहुत स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स रख सकते हो, लाइक कर्ली बस कट, हाई टॉप फेडेड एंड और भी बहुत है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कोई भी हेयर स्टाइल रखने से पहले आपको आपका फेस शेप पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल होगा सो आपके फेस पर बैलेंस, स्ट्रक्चर्ड एंड शार्प लुक आएगा। आपका फेस शेप पता करने के लिए प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्स मिल जाएंगी, इसमें से कोई एक पर आपकी सेल्फी डालना है जिसको स्ट्रेट हैंड रखकर आई लेवल से सेंटर से लेना है, आपको आपका फेस शेप पता चल जाएगा। फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे फेस शेप पर कौन सी हेयर स्टाइल बेस्ट रहेंगी। नंबर वन, ओवल फेस। ये फेस शेप में फेस का स्ट्रक्चर चौड़ान में कम और लंबान में थोड़ा ज्यादा होता है, लाइक एक अंडी की तरह। चीक बोन्स थोड़े चौड़े होते हैं एंड जॉलाइन और फोरहेड राउंड शेप में होते हैं। ये राउंड शेप की तरह ही होता है लेकिन ये उससे ज्यादा एंगुलर होता है। अगर आपका ओवल फेस है तो आपको ज्यादा वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल जिसमें आपको ऐसा पफ करना होता है ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे फेस और भी ज्यादा लंबा दिखेगा। एंड साइड से मीडियम फेड रखना है। अगर आपने ऐसे बहुत ज्यादा लो फेड पर लॉन्ग हेयर रखोगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखने वाला है। हमको फेस को बैलेंस लुक देना है तो ऐसे हेयर कट मिस्टेक्स मत करना। आप नीचे से लो फेड रख सकते हो लेकिन ऊपर मीडियम फेड रखना है एंड टॉप में आप शॉर्ट या मीडियम लेंथ रख सकते हो, इससे आपका फेस बैलेंस स्ट्रक्चर में दिखेगा। आप बहुत लकी हो क्योंकि ये फेस शेप पर बहुत से हेयर स्टाइल सूट होते हैं। ओवल फेस शेप के काफी सेलिब्रिटीज हैं तो आप उनके हेयर स्टाइल से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, लाइक ऋतिक रोशन, वरुण धवन, रणवीर सिंह, जस्टिन बीबर एंड रॉक। ओह सॉरी, इनको तो बाल ही नहीं है। या फिर आप ये हेयर स्टाइल्स में से भी कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, ये ओवल फेस शेप पर बहुत परफेक्ट दिखते हैं। कोई भी हेयर स्टाइल को अच्छा दिखने के लिए एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या रिसीडिंग हेयरलाइन स्टार्ट हो गई है तो भाई इस वीडियो को देखे बाद ये वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। इस वीडियो में हेयर फॉल के कॉजेस प्लस सोल्यूशन दोनों मैंने बताया हूं। ऊपर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। नंबर टू, स्क्वायर फेस। अगर आपका स्क्वायर शेप फेस है तो कॉन्ग्रेट्स ब्रो, क्योंकि इसको ज्यादा मैस्कुलिन फेस कंसिडर करते हैं एंड आपको बहुत सारे वराइटीज मिल जाएंगी हेयर स्टाइल में। ये फेस शेप की पहचान इनके चौड़े अट्रैक्टिव जॉलाइन से होती है एंड साइड से एंगल स्ट्रेट होते हैं, जिसकी वजह से स्क्वायर फेस काफी एंगुलर एंड शार्प दिखता है। इसमें आपको साइड के बाल पूरे शॉर्ट रखना है, क्योंकि अगर ऐसे रखोगे तो साइड का फेस और भी ज्यादा चौड़ा दिखेगा, इसलिए बैलेंस करने को आप लो फेड करो या फिर ऐसे टाइप के हेयर स्टाइल रख सकते हो। टॉप में आपके बाल कितने भी लॉन्ग रखो मैटर नहीं करते, मेन जो है साइड से बालों का ख्याल रखना है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज है जिनका स्क्वायर फेस है, लाइक जॉनी डिप, शाहिद कपूर, शाहरुख खान। आप इनके हेयर स्टाइल से भी कोई आइडिया ले सकते हो या फिर इनमें से कोई चूज कर सकते हो। ये स्पेशली स्क्वायर फेस शेप के लिए बेस्ट है। नंबर थ्री, राउंड फेस। राउंड फेस की लेंथ और विड्थ सेम एंड सिमेट्रिकल होती है। जॉलाइन, चिन एंड हेयरलाइन कर्व शेप में होते हैं। राउंड फेस वालों पर ज्यादा वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल बहुत अच्छे दिखते हैं। राउंड फेस को बैलेंस करने में आपको हेयर स्टाइल में एंगल्स देना होगा, लाइक पोमाडोर हेयर स्टाइल या लॉन्ग क्विफ विथ लो फेड, ऐसे हेयर स्टाइल्स। साइड के बाल आपको हमेशा कम ही रखना है एंड टॉप के बालों को पफ देना है, इससे आपका फेस बैलेंस दिखेगा। अगर आप बियर्ड रखते हो तो उसको स्क्वायर शेप में रखना है, ये हेल्प करेगा आपके फेस को और भी सिमेट्रिकल दिखाने में। राउंड फेस शेप के बहुत से सेलिब्रिटीज है, लाइक जैक एफ्रॉन, लियोनार्डो, सैफ अली खान। आप इनके हेयर स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकते हो या फिर इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर फोर, डायमंड फेस। ये फेस शेप बहुत कम लोगों का होता है क्योंकि ये हीरा है। ये शेप में जॉलाइन शार्प होती है एंड फोरहेड छोटा होता है, चीक बोन्स चौड़े होते हैं जिससे ये डायमंड शेप बनता है। ये शेप वाले लोग इनके लुक्स को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं हाई स्किन फेड रखकर, या ये लॉन्ग हेयर स्टाइल भी रख सकते हैं विद मैसी लुक। आप हाई वॉल्यूम वाले हेयर
हेयरस्टाइल्स भी रख सकते हो। इससे आपके शार्प फेस पर स्मूथ लुक आएगा, इससे आपका फेस बैलेंस दिखेगा। ओवरऑल डायमंड फेस शेप वालों के पास बहुत सारे हेयर स्टाइल ऑप्शन है। सेलिब्रिटीज में देखा जाए तो ज़ेन मलिक, रॉबर्ट पैटिनसन, कार्तिक आर्यन, निक जोनस, इन सबके हेयर स्टाइल से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो या फिर आप इनमें से भी कोई चूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, रेक्टेंगुलर फेस। ये फेस शेप काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें 3 शेप का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हेयर स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये एक रेक्टेंगल शेप में होता है जो दिखने में लॉन्ग एंड एंगुलर एजेस में होता है। ये ओवल, ऑबलॉन्ग एंड स्क्वायर शेप का मिक्सचर होता है। इस पर आप लॉन्ग हेयर स्टाइल्स या लो फेड विद स्लिक बैक ये हेयर स्टाइल भी रख सकते हो। सेलिब्रिटीज में देखा जाए तो रणबीर कपूर, क्रिस हेम्सवर्थ, हेनरी कैविल और भी बहुत सारे हैं। आप इनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो या जो ओवल एंड स्क्वायर शेप के हेयर स्टाइल जो मैंने बताया हो वो भी ले सकते हो। सो ये थे वो 5 मोस्ट कॉमन फेस शेप्स। आई होप अब आपको आपका फेस शेप पता चल गया होगा। इनमें और भी बहुत सारे फेस शेप्स आते हैं लाइक ट्राइंगल, हार्ट, ऑबलॉन्ग, हेप्टागॉन, एंड आपको इनके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।